हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन के मैप पार्ट थ्री में। देखिए, के मैप के हम ये तीसरे वीडियो देख रहे हैं और के मैप के तीसरे वीडियो के अंदर अब हम देखने वाले हैं पीआई, ईपीआई, एसपीआई, आरपीआई, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं। अब तक हम केवल और केवल मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकाल रहे थे पार्ट टू के अंदर, वो 17 एग्जाम्पल अपने किए होंगे। मैं मान रहा हूँ कि आपके इसमें से जितने भी मैक्सिमम स्कोर आया होगा आपने देखा होगा उसके अंदर, और आपको काफी एंजॉय किया होगा उन एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल काफी है आपको हर चीज समझाने के लिए, लेकिन अब एक तीसरे पार्ट की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चनों में कभी कभार गेट के अंदर इस तरह से पूछा जाता है कि इस के मैप के अंदर कितने पीआई है, कितने ईपीआई है, कितने आरपीआई है, तो कैसे सोल्व करते हैं, कैसे जानते हैं सब चीजों को, पहले इनको समझते हैं विद डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं। इम्प्लिकेंट्स आई होते हैं नंबर ऑफ मेन टर्म्स, स्पेशली अगर आप सो फॉर्म पे काम कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर टाइम पे हम सो फॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, तो सो फॉर्म के लिए आपको क्या जानना होते हैं, नंबर ऑफ मेन टर्म्स जो आपको दिए हुए हैं, तो मिनिमम नंबर जितने भी नंबर ऑफ मेन टर्म्स है वो सब आपके क्या कहलाएंगे, इम्प्लिकेंट्स। तो क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे कि 1357 है, अगर वो बोल रहा है कि एफ ए बी सी इक्वल्स टू सिग्मा 1357, इसका मतलब चार मीन टर्म है आपके पास, और अगर ऐसे में वो चुकी सिग्मा 0 1 2 5 6, इसका मतलब पांच मीन टर्म है आपके पास, इसका मतलब पांच इम्प्लिकेंट है आपके पास। तो जितने मीन टर्म है उतने ही इम्प्लिकेंट है आपके पास। नेक्स्ट है प्राइम इम्प्लिकेंट। प्राइम इम्प्लिकेंट क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट टर्म विच इज ऑब्टेंड बाई कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स। इट इज ए प्रोडक्ट टर्म विच इज ऑब्टेंड बाई कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी इम्प्लिकेंट है उससे आप जब ग्रुप बना रहे होंगे, तो स्टेप थ्री तक जितने भी आपने ग्रुप बनाए, स्टेप थ्री तक हम क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबल बड़े से बड़े ग्रुप है वो हम बनाते हैं। तो जितने भी बड़े से बड़े ग्रुप पॉसिबल है सारे, जिसके अंदर हो सकता है कि आपके जैसे कहते हैं ना कि स्टेप फोर के अंदर आपको क्या करना होता है, ऐसे ग्रुप को छोड़ना होता है जो कि रिडंडेंट ग्रुप है, आप इन रिडंडेंट ग्रुप को भी शामिल करते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट्स के अंदर। इस प्राइम इम्प्लिकेंट के अंदर स्टेप थ्री तक जितने भी ग्रुप बन रहे हैं वो सब शामिल करते हैं, तो वो सब के सब आपके कहलाते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट। इसमें एक हल्की सी मिस्टेक बच्चे ही करते हैं कि जैसे कि कोई चार का ग्रुप है तो उसको भी बिना बात वो दो के ग्रुप में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने सारे लेने अपने को, तो वो चार के ग्रुप को भी दो के ग्रुप में ब्रेक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, चार का ग्रुप कोई है तो बस वो चार का ग्रुप ही रहेगा, कोई इम्प्लिकेंट कोई वन अगर चार के ग्रुप में आ रहा है तो वो फिर किसी दो के ग्रुप में नहीं जाने वाला, दो के ग्रुप में ब्रेक नहीं होने वाला, वो चार के ग्रुप में ही रहने वाला है। आपको पता है कि हाँ ऐसे अगर चार के ग्रुप तीन चार हैं तो वो सब में आएंगे, सारे प्राइम इम्प्लिकेंट आपको लेने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चार का ग्रुप है उसको आपने दो के ग्रुप में ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो कोई चार का ग्रुप है उसको दो के ग्रुप में दो बार ब्रेक नहीं करेंगे आप, ऐसे नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लिकेंट्स नहीं बढ़ाएंगे आप। प्राइम इम्प्लिकेंट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रुप होते हैं, लेकिन जो भी पॉसिबल है वो ना। उसके बाद आता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, ईपीआई। ईपीआई होता है, इट इज अ प्राइम इम्प्लिकेंट विच इज ऑब्टेंड बाय कंबाइनिंग वन वे एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव वे। कहने का मतलब है कि आपका ईपीआई होता है हमेशा प्राइम इम्प्लिकेंट में से, वो वाले प्राइम इम्प्लिकेंट छांटिए आप जिसके अंदर कोई भी ऐसा इम्प्लिकेंट है जो केवल उसी प्राइम इम्प्लिकेंट के भरोसे ग्रुप में आया हुआ है। कहने का मतलब है, बहुत सिंपल सी कहानी है, आप ग्रुप के अंदर जाइए, कोई भी प्राइम इम्प्लिकेंट लीजिए, किसी भी ग्रुप में जाइए, उसके अंदर जितने भी वन है, माना कि चार वन है, उसके अंदर चार इम्प्लिकेंट है, तो आप हर इम्प्लिकेंट से पूछिए कि क्या आपके पास कोई दूसरा भी प्राइम इम्प्लिकेंट है। अगर वो कहता है कि हाँ सर मेरे पास दूसरा भी प्राइम इम्प्लिकेंट है, कोई बात नहीं, इसका ओपिनियन मैटर नहीं करता, दूसरे वाले वन से पूछिए, दूसरे वाले इम्प्लिकेंट से पूछिए कि क्या आपके पास कोई और भी प्राइम इम्प्लिकेंट है, वो भी कह रहा है कि हाँ सर मेरे पास एक और प्राइम इम्प्लिकेंट है, तीसरे वाले इम्प्लिकेंट से पूछिए, तीसरा वाला इम्प्लिकेंट बोलता है कि सर मेरे पास तो इकलौता यही प्राइम इम्प्लिकेंट है, तो इसका मतलब इस प्राइम इम्प्लिकेंट को टिक कर दीजिए कि ये एसेंशियल होने वाला है। अब फोर्थ वाले से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ लोगों को देखता हूँ गलती क्या करते हैं, वो तीसरे वाले से पूछ लिया तब भी टिक कर दिया, फोर्थ वाले से वापस पूछ रहे हैं और उसने भी कह दिया कि मेरे पास यही इकलौता प्राइम इम्प्लिकेंट है तो एक बार और टिक कर दिया, यानी कि एक ही प्राइम इम्प्लिकेंट के लिए एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट आपने दो बता दिए, जो कि रॉन्ग है, प्राइम इम्प्लिकेंट का ही हिस्सा है। तो यानी कि पीआई आपका वो ईपीआई बन रहा है या नहीं बन रहा है, एसेंशियल बन रहा है या नहीं बन रहा, वो कैसे चेक करना है, कोई भी एक वन बोल दे कि मेरे पास तो ये इकलौता प्राइम इम्प्लिकेंट है तो उस पर टिक कर दीजिए कि ये तो मेरे लिए एसेंशियल होने वाला है। समझ में आई बात आपको? नाउ अब देखते हैं आरपीआई क्या होता है। तो ये रिडंडेंट प्राइम इम्प्लिकेंट कैसे देखने वाले हैं, ये बोलता है द प्राइम इम्प्लिकेंट फॉर विच ईच ऑफ इट्स मेन टर्म इज कवर्ड बाय सम एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स आर आरपीआई। कहने का मतलब है कि आप ऐसे ग्रुप को संभालिए जिसके अंदर आपको ऐसे वन मिल रहे हैं जो किसी दूसरे पीआई के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो जो पीआई था वो ईपीआई है, यानी कि किसी भी प्राइम इम्प्लिकेंट के अगर सारे इम्प्लिकेंट्स
जो दूसरे पीए के साथ कनेक्टेड है, अगर वो ईपीआई है और हर वन किसी और ईपीआई के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसा प्राइम इम्प्लिकेंट आपको आरपीआई मिलेगा। हम एग्जाम्पल से और समझेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आरपीआई। और अब बचा लास्ट है आपका सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लिकेंट एसपीआई। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि अगर आपके प्राइम इम्प्लिकेंट्स द प्राइम इम्प्लिकेंट्स फॉर विच आर नाइदर एसेंशियल नॉर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लिकेंट्स आर कॉल्ड एसपीआई। यानी कि ईपीआई और आरपीआई को हटाने के बाद अब जितने भी पीआई बचे हैं वो सब एसपीआई है। यानी कहने का मतलब ये है, ईपीआई प्लस आरपीआई प्लस एसपीआई मिलाकर पीआई होना चाहिए हर हाल में। ईपीआई प्लस आरपीआई प्लस एसपीआई मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए? पीआई के बराबर। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। आपको पता है कि अगर आपने पुराने 17 एग्जाम्पल देखेंगे, वापस को रिवाइंड करेंगे, उस वीडियो में जाएंगे, तो आपको पता है, अगर आपने कॉपी में नोट डाउन भी किए होंगे, तो आपको मैंने ये वाला केमैप टेबल दी थी। तो इसके अंदर देखिए ध्यान से, इसके अंदर आपने 3 ग्रुप बनाए थे। आपको पता था कि ये ग्रुप को छोड़ना था उस केस में, लेकिन ठीक है, अभी मेरे को आंसर के बारे में नहीं सोचना, अभी तो मेरे को जानना है कि इसके अंदर इम्प्लिकेंट कितने हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 इसमें इम्प्लिकेंट्स है। इसके अंदर प्राइम इम्प्लिकेंट्स कितने हैं? तो 1 हॉरिजॉन्टल वाला, दूसरा वर्टिकल वाला, तीसरा नीचे वाला हॉरिजॉन्टल वाला। यानी कि 3 प्राइम इम्प्लिकेंट है, 3 ही पॉसिबल ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे, कोई और ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि पीआई की वैल्यू है इसमें 3। नाउ अब आते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट ईपीआई कितने होंगे। तो ईपीआई देखिए सर, कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इसके अंदर जो ये इम्प्लिकेंट आ रहा है, जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी प्राइम इम्प्लिकेंट है, इसने मना कर दिया। इसने कहा कि सिर्फ ये एक ही है, इसका मतलब ये एसेंशियल होगा, तो मुझे दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अब मैंने वर्टिकल वाले प्राइम इम्प्लिकेंट के दोनों इम्प्लिकेंट से पूछा, पहले वाले से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास एक और प्राइम इम्प्लिकेंट है, और दूसरे वाले से पूछा तो उसने भी कहा कि मेरे पास एक और प्राइम इम्प्लिकेंट है। यानी कि ये वर्टिकल वाला प्राइम इम्प्लिकेंट मेरे को एसेंशियल नहीं है, इसको मैं एसेंशियल नहीं लूंगा। अब लास्ट वाले से पूछा, इसके पहले वाले इम्प्लिकेंट से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पास एक और वर्टिकल वाला है, और दूसरे वाले वन से पूछा तो उसने कहा कि सिर्फ मेरे पास ये एक ही प्राइम इम्प्लिकेंट है, इसका मतलब ये एसेंशियल होने वाला है। तो इसको मैंने टिक कर दिया। इसका मतलब प्राइम इम्प्लिकेंट 3 थे, पर एसेंशियल सिर्फ 2 ही हैं आपके पास। तो एसेंशियल कितने हैं आपके पास? 2। अब आते हैं आरपीआई पे। तो जो ये बचा हुआ है ग्रुप, उसके सारे वन से मैंने पूछा, 2 ही वन है, तो दोनों के दोनों वन हमेशा किसी और एसेंशियल के साथ कनेक्टेड है। अगर इसके सारे इम्प्लिकेंट्स किसी और एसेंशियल के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाला ग्रुप कहलाता है आपका आरपीआई। तो आरपीआई कितना है इसमें? 1। तो यानी कि 2 ईपीआई है और 1 आरपीआई है। तो एसपीआई कितने बचे सर? 0, क्योंकि हमको पता है कि सर कोई ग्रुप बचा ही नहीं, तो एसपीआई की वैल्यू कितनी होगी? 0। एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे, तो आपको पता है इम्प्लिकेंट है 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब प्राइम इम्प्लिकेंट देखते हैं, तो प्राइम इम्प्लिकेंट आ रहे हैं इसमें 4, 1, 2, 3 एंड 4, 4 इसमें प्राइम इम्प्लिकेंट है। नाउ कोई और तो इम्प्लिकेंट आपको नजर नहीं आ रहा, प्राइम इम्प्लिकेंट कोई और तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखते हैं इसमें एसेंशियल कितने हैं। तो मैंने इस वाले ग्रुप के अंदर इस वन से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी प्राइम इम्प्लिकेंट है, इसने मना कर दिया, इसका मतलब यही एसेंशियल है, इसको टिक कर दीजिए, हटाइए। अब दूसरे वाले वर्टिकल ग्रुप से पूछते हैं, इसके अंदर 2 इम्प्लिकेंट है, दोनों से पूछेंगे। तो पहले वाले ने भी कहा कि मेरे पास एक और है, और दूसरे वाले ने पूछा कहा कि मेरे पास एक और है, इसका मतलब ये वर्टिकल वाला ग्रुप आपका एसेंशियल नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल वाले के पास गए, इसके पास दोनों वन से पूछा मैंने, तो दोनों के पास अलग अलग ग्रुप और थे, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला भी एसेंशियल नहीं है। लास्ट वाले के अंदर मैंने पहले वाले वन से पूछा तो इसके पास तो एक और ग्रुप था, पर दूसरे वाले वन के पास कोई और ग्रुप नहीं था, इसका मतलब ये जो ग्रुप है अब ये एसेंशियल होने वाला है। तो ये एसेंशियल टिक कर दिया आपने। तो एसेंशियल आपके पास 2 हो गए, प्राइम इम्प्लिकेंट 4 थे पर एसेंशियल सिर्फ 2 हैं। तो अब देखते हैं आरपीआई। तो जो वर्टिकल वाला ग्रुप है, इसके दोनों वन से पूछा कि क्या दोनों वन एसेंशियल में जा रहे हैं। तो पहला वाला वन तो एसेंशियल में जा रहा है, पर दूसरा वाला वन एसेंशियल में नहीं जा रहा। आपको पता है ये ग्रुप एसेंशियल नहीं था, इसका मतलब ये आरपीआई नहीं है। ऐसे मैं इससे बात करता हूं, तो इसके अंदर ये वाला वन तो आरपीआई का हिस्सा, ईपीआई का हिस्सा था, पर ये वाला वन ईपीआई का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये पूरे ग्रुप के अंदर सारे वन ईपीआई के हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये आरपीआई नहीं है। इसका मतलब आरपीआई तो 0 है सर, 2 एसेंशियल है पर आरपीआई कितने हैं? 0। तो इसका मतलब एसपीआई कितने हो जाएंगे सर? वो दोनों ग्रुप जो आपके आरपीआई नहीं है, फिर वो एसपीआई होंगे। ईपीआई हटाने के बाद जो ग्रुप बचे हुए हैं उनमें से जो आरपीआई है वो हटा दे, तो बचेंगे एसपीआई। अब आरपीआई कोई भी नहीं था, तो एसपीआई कितने होंगे? 2। और इन तीनों का सम देख लीजिए कितना आ रहा है? 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, इसके अंदर आपको पता है कि मैंने इस तरह से वन दिए थे, अगर आपने देखे होंगे उस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने नोट डाउन किया था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे सेकंड वीडियो से, केमएप के सेकंड वीडियो से, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको ग्रुप बनने वाले हैं 2 ही, एक 4 का और एक 2 का। पर ध्यान दे, इसके अंदर
इस चार के ग्रुप के अंदर आपको दो दो के ग्रुप में ब्रेक नहीं करना है। ये चार ग्रुप है, इसके सिवा कोई और ग्रुप दिख ही नहीं रहा सर मेरे को, और इसमें भी एक दो का ग्रुप दिख रहा है और कोई ग्रुप दिख ही नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि और ग्रुप दिख जाए, कोई बिना बात का ग्रुप ना दूं। सर दिख तो रहा है, इस वन को आप दो के ग्रुप में ब्रेक कर दीजिए इधर से। नहीं यार, मैं इन वन को दो के ग्रुप में ब्रेक नहीं कर सकता, ये एक बार चार के ग्रुप में आ रहे हैं तो ये चार के ग्रुप में ही रहेंगे। बिना बात आपको नए नए ग्रुप नहीं बनाने की, एक ही चार के ग्रुप को आपने दो के ग्रुप में ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पॉसिबल है अलग अलग तो चलता है, उसके अंदर ये भी चलता है कि आपका बिना बात ही कोई ग्रुप आ रहा है। जैसे कि अपने देखा था स्टेप फोर कि वहां पर हमने रिडंडेंट ग्रुप को छोड़ा था, लेकिन स्टेप थ्री तक तो रिडंडेंट ग्रुप भी शामिल किए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम प्लिकेंट का मतलब होता है स्टेप थ्री तक जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, पॉसिबल ग्रुप बन रहे हैं, वो सारे शामिल करने हैं। तो यहाँ पर सर सिर्फ दो ही ग्रुप बन रहे हैं, तो इसके अंदर प्राइम प्लिकेंट कितने होंगे, सिर्फ टू होंगे। अब देखते हैं कि सर इसमें एसेंशियल कितने होंगे। तो इन दोनों ग्रुप में से मैं गया, तो पहले दो के ग्रुप के अंदर इस वन के पास गया, तो इसने कहा कि मेरे पास एक और चार का ग्रुप है। लेकिन जब इस वन से पूछा तो इसने कहा कि सर मेरे पास तो एक ही ग्रुप है, ये इसका मतलब ये एसेंशियल होके ही रहेगा। अब इस चार के ग्रुप में मैं पहले वाले इम्प्लिकेंट के पास गया, तो इसने कहा कि मेरे पास एक और इम्प्लिकेंट है, एक प्राइम इम्प्लिकेंट है। तो मैंने इसकी इसका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता। फिर दूसरे वाले वन से पूछा तो इसने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ये एक ही चार का ग्रुप है, तो इसको भी मैंने एसेंशियल टिक कर दिया। अब इन दोनों से नहीं पूछना, बस इसने बोल दिया ना कि मेरे को बस ये मेरे पास एक ही है चार का ग्रुप, तो इसका मतलब ये चार वाला ग्रुप आपका एसेंशियल हो चुका है, ये प्राइम एप्लीकेंट आपका एसेंशियल हो चुका है। इन दोनों से पूछने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ईपीआई कितने होंगे आपके पास, दो। पीआई दो थे तो यानी दोनों के दोनों क्या है आपके लिए, एसेंशियल। तो फिर आरपीए क्या होगा आपके लिए, जीरो। एसपीए क्या होगा आपके लिए, जीरो। इसका मतलब आपके जो आंसर है एग्जाम्पल नंबर फाइव के लिए वो सामने है ना। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स। एग्जाम्पल नंबर सिक्स बहुत अच्छा था। इसके अंदर जो आपके पास इम्प्लीकेंट है वो छह इम्प्लीकेंट थे, वन 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 वन, ये छह इम्प्लीकेंट है। प्राइम इम्प्लीकेंट की अगर हम बात करें तो प्राइम इम्प्लीकेंट इसके अंदर छह आने वाले हैं, तीन ब्लैक कलर से बना रखे हैं मैंने और तीन ब्लू कलर से बना रखे हैं मैंने। ये छह प्राइम इम्प्लीकेंट है, आपने देखा था उसके अंदर आंसर दो आए थे और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि यहाँ पर तीन ग्रुप एकदम अलग है और बचे हुए तीन ग्रुप एकदम अलग है। तो यहाँ पर छह प्राइम इम्प्लीकेंट पॉसिबल है। अब देखते हैं इसमें एसेंशियल कितने हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, हर वन किसी और ग्रुप के साथ भी जा रहा है, इसका मतलब कोई भी प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ एसेंशियल नहीं है, कोई भी प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल नहीं है। हर वन के पास दो दो ग्रुप है, इसका मतलब प्राइम इम्प्लीकेंट सिक्स है पर एसेंशियल कितने हैं, जीरो। नाउ अब देखते हैं आरपीए कितने इसमें। तो सर अब हमको पता चल चुका है कि जब एसेंशियल ही नहीं है तो फिर आरपीए कहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है आरपीए की वन अलग अलग एसेंशियल के साथ जा रहे होंगे तो वो ग्रुप आपका आरपीए कहलाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि जब एसेंशियल ही नहीं है तो आरपीए कहाँ से होगा, तो आरपीए भी जीरो। तो इसका मतलब सारे जो सिक्स पीआई है वो क्या होंगे फिर, एसपीआई। तो एसपीआई कितने हैं इसमें, सिक्स। चलिए एक क्वेश्चन अपन चार का भी ले लेते हैं, ये तीन वेरिएबल का क्वेश्चन था तो मैं एक चार का ग्रुप ले लेता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एग्जाम्पल में लिया था। सबसे अच्छा एग्जाम्पल में जो देखा था वो ये हो सकता है कि सर वन 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 वन, याद आ रहा आपको जब मैंने केमेप का पार्ट वन पढ़ाया था तो उस टाइम में एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको ये लिया था, ये गेट में आ चुका है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसके अंदर देखिए एक तो ये चार का ग्रुप होता है, एक ये दो का ग्रुप है, एक ये दो का ग्रुप है, ये एक दो का ग्रुप ये है और एक दो का ग्रुप ये है। और फिर आपको पता है कि मैंने इस चार के ग्रुप को छोड़ दिया था क्योंकि ये रिडंडेंट ग्रुप बन रहा था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इसके अंदर सर आई कितने हैं, इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, तो इम्प्लीकेंट्स है सर इसके अंदर चार एंड चार आठ, तो आठ इम्प्लीकेंट्स दे रखे हैं सर इसमें ना। इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं सर, प्राइम इम्प्लीकेंट इसमें पांच ही बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, गुड। नाउ अब इसके अंदर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, ईपीआई कितने हैं, एसेंशियल कितने हैं इसमें। तो सर इसमें एसेंशियल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सर ये वाला एसेंशियल है इस वन की वजह से, ये वाला भी एसेंशियल है इस वन की वजह से, ये वाला भी इस वन की वजह से, ये वाला भी, यानी कि चार आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है सर, गुड। अब इसमें आरपीए कितना है, तो सर अगर हम आरपीए की बात करें तो आपको पता है कि सर इसके अंदर ये जो चार का ग्रुप है ना सर, इसके सारे इम्प्लीकेंट्स किसी एसेंशियल से कनेक्टेड हैं सर। इसका मतलब ये आपको क्या होगा, आरपीए। आरपीए कितना है सर इसका, वन। ऐसे ही इसमें एसपीए कितना है, एसपीए जो बच गए आपके, तो एसपीआई कितने हैं सर इसके अंदर, तो आपको पता है कि सर अब कोई बचा ही नहीं, तो एसपीआई इसमें जीरो है। ईपीए चार हो चुके हैं, आरपीए वन हो चुके हैं, तो यानी कि कोई भी ग्रुप नहीं बचा। आपने पांचों ग्रुप ले लिए, पांचों पीए ले लिए इन दोनों के अंदर, तो अब जो भी कुछ भी नहीं बचा तो एसपीआई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो इस तरह से आपको देखना आना चाहिए। एक चीज और आपने देखी होगी, जो आरपीए होने वाला है वो आपके फाइनल आंसर में नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो आरपीए है उसके सारे वन तो किसी एसेंशियल में आ चुके हैं, एसेंशियल पक्के से आंसर में आएंगे आएंगे,
एसेंशियल टर्म तो पक्के से आंसर में नजर आएगी आएगी, यानी कि वो कॉमन टर्म अगर ज्यादा आंसर भी होंगे तब भी नजर आएगी। अब उसके सिवा अगर मल्टीपल आंसर पॉसिबल है तो हो सकता है कि कोई और टर्म भी नजर आ रही हो, पर एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट तो नजर आएंगे ही आएंगे, और आरपीए कभी नजर नहीं आएगा। हालांकि इसका आंसर से कोई मतलब नहीं है, आप आंसर से मत समझें इन सबको, वरना फिर इनमें आप गलती कर देंगे। इनको आप इनके तरीके से समझिए, क्योंकि इसीलिए मैंने इसका एक अलग वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है तो आरपीए को कभी भी आप देखना, आरपीए को आप कभी भी आंसर में नहीं ला सकते, क्योंकि आरपीए के सारे वन तो एसेंशियल में कवर हो चुके हैं। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ये आपके लिए कहानी है पूरी आईपीआई ईपीआई आरपीआई और एसपीआई की। तो होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हम इस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।